गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, डैट इज द दिल्ली सुल्तान्स. इन दिस चैप्टर वी विल सी द डिफरेंट चेंजेस डैट अकर इन नॉर्दर्न इंडिया. सो द पीरियड डैट स्टार्टेड फ्रॉम 1206 टू 1526 is known as a Delhi Sultan's period. So, Delhi became an important city only in the 12th century. Very important question. When did Delhi become an important city? Delhi became an important city only in the 12th century. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomara Rajput. Again, very important question. Who were the first ruler of Delhi? So they were Tomara Rajput, who were defeated in the middle of 12th century by Chuhanas. Who defeated Tomara Rajput? They were defeated by Chuhanas, also referred to as Chahamanas of Ajmer. See, Chahamanas or Chuhanas, first they were ruled Ajmer. After that they attacked on Delhi. At that time there Tomara Rajput were ruling over Delhi. Clear? They attacked on Delhi and conquered it. So first ruler were Tomara Rajput of Delhi, and Tomara Rajputs were defeated by Chauhan or Chahamanas of Ajmer. It was under the Tomara एंड चौहानास डेट डेली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी. ये नहीं है कि जब डेली सुल्तान, जो हमारे चैप्टर का नाम है, कि जब वो आए डेली में तब ये कमर्शियल सेंटर बना है. नहीं, इससे पहले ही तुम्हारा और चौहान राजपूत के अंडर जो डेली था कमर्शियल सेंटर बन चुका था. मैनी रिच जैना मर्चेंट. वट इज़ द मीनिंग ऑफ जैना मर्चेंट? जैना मर्चेंट्स आर द पीपल हु डील इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. क्लियर? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो डील करते थे उस टाइम पे, देवर नोन एज जैना मर्चेंट. लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. जैना मर्चेंट ने दिल्ली में रहना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए. कॉइन्स मेंटेड हेयर कॉल्ड दिल्लीवाल. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वट इज दिल्लीवाल? दिल्लीवाल टर्म इज यूज फॉर द कॉइन. कई बार पूछ लिया जाता है कि दिल्लीवाल कौन है? पॉइट है, हिस्टोरियन है, इंस्क्रिप्शंस हैं या कॉइन्स हैं? सो दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर अ कॉइन. जो वहाँ पे उस टाइम पे कॉइन चलते थे, बनते थे, उनका नाम क्या था? दिल्लीवाल. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इंटू अ कैपिटल डेट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी. अब जो दिल्ली सल्तनत है, जो कि हमारा चैप्टर है दिल्ली सुल्तान, वो उसकी बिगिनिंग कब हुई है? 13th सेंचुरी में हुई है. सो हेयर वी विल रीड फाइव डायनेस्टी, फाइव मेन डायनेस्टीज हु रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत. सो देयर पीरियड इज 1206 टू 1526. नाउ स्टूडेंट कम टू पेज नंबर 31. हेयर यू कैन सी द टेबल द रूलर्स ऑफ दिल्ली. सो वी ऑलरेडी रेड अबाउट दिस थिंग. द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली वॉज तुम्हारा एंड मेन रूलर वॉज अंगापाला. आफ्टर डैट देयर वॉज चौहानास एंड देयर मेन रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान, हु रूल्ड 1175 टू 1192. अब यहाँ पे 1192 में पृथ्वीराज चौहान और एक ईरान टर्की से रूलर आया था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी. इन दोनों के बीच में एक बैटल हुई, लड़ाई हुई, दैट इज़ नोन एज बैटल ऑफ तराइन 1192. वैसे तो दो बैटल्स हुई थी, एक हुई थी 1191 में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, एंड सेकंड वाज 1192, दैट इज़ नोन एज सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इन विच पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद
गोरी। अब दिल्ली पे किसका रूल हो गया? मोहम्मद गोरी का, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था 1192 में। 1192 से लेके 1206 तक मोहम्मद गोरी का रूल रहा है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी ने अपनी डेथ से पहले ही, बिफोर द डेथ ही अपॉइंटेड हिज स्लेव नोन एज कुतुबुद्दीन ऐबक। इस टाइम पे उसने अपने एक स्लेव को, जिसको वो बहुत पसंद करता था, अपने बेटे को रूलर नहीं बनाया, अपने एक स्लेव को जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुब मीनार है ना जिसकी कंस्ट्रक्शन इसने शुरू करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को रूलर बना दिया। डेट्स वाई दिस डायनेस्टी इज नोन एज अ स्लेव डायनेस्टी और मैमलुक डायनेस्टी। क्लियर? दिस डायनेस्टी इज नोन एज अ स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने अपने एक स्लेव को रूलर बनाया था। आफ्टर डेट यू कैन सी इल्तुमिश, बाद में रजिया सुल्ताना, ये लेडी है जो फर्स्ट रूलर है हिस्ट्री की, एंड ग्यासुद्दीन बलबन। तो स्लेव डायनेस्टी के बाद भी कौन सी डायनेस्टी आई? खलजी डायनेस्टी। यहाँ पे रूलर फर्स्ट कौन था? जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। यहाँ पे आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें रणवीर सिंह जो है वो अलाउद्दीन खलजी का रोल प्ले कर रहा है, और जो उसके चाचे हैं जिसको रणवीर सिंह ने मरवा दिया था, ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ जलालुद्दीन खलजी। तो आफ्टर डेट तुगलक डायनेस्टी, इसमें भी तीन बहुत फेमस रूलर रहे हैं, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? आफ्टर डेट सैयद डायनेस्टी, एंड लास्ट इज द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जब 1526 में बाबर ने इंडिया पे, दिल्ली पे अटैक किया, और देर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, जिसकी वजह से बाबर जीत गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और मुगल्स जो हैं इंडिया में एज अ रूलर आ गए थे। सो देयर आर स्टूडेंट्स मेनली फाइव डायनेस्टी। फर्स्ट इज द स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, एंड लास्ट वन इज द लोधी डायनेस्टी। क्लियर? नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। अब वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में पता चलता है? इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर। सो मेनली दीज आर द थ्री सोर्सेज विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सुल्तान। सो हिस्ट्री इज लाइक तारीख एंड तवारीख रिटन इन पर्शियन। इनके बिना भी कुछ बुक्स, तारीख डेट इज़ यूज फॉर सिंगुलर, तवारीख डेट इज़ यूज फॉर प्लूरल, जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं बुक्स, जो दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती हैं। क्लियर? उससे हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चलता है। सो तवारीख, तवारीख आर द बुक्स विच आर रिटन बाय लर्न्ड मैन। लर्न्ड मैन कौन से हुए? जो राजे के अंडर, जैसे उसके सेक्रेटरी लगा लो, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा लो, पॉइट्स लगा लो, कॉर्टियर लगा लो, जो राजे के राज्य में काम करते थे वो लोग इसको लिखते थे, तवारीख को। क्लियर? डिफरेंट थिंग्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ तवारीख। तवारीख जो पॉइट है उनकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन द सिटीज एंड हार्डली इवन इन द विलेजेस। जो तवारीख के ऑथर थे वो ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे? दे मोस्टली लिव्ड इन द सिटीज। अब अगर कोई बंदा राजे के साथ रह रहा है, क्लियर, ऑथर राजे के साथ रह रहा है, सिटीज में रह रहा है, तो वो सिटीज़ की लाइफ को ही डिस्क्राइब करेगा, वो गांव की लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं लिखेगा। तो दे मोस्टली राइट अबाउट द सिटीज पीपल। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड। वो ज़्यादातर सुल्तान से अच्छे अच्छे रिवॉर्ड लेने के लिए सुल्तान के बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे, उसकी हमेशा जो वॉर में वो जीतता था उनके बारे में लिखते थे, उसकी कहाँ पे वो डिफीट हुआ है, हार हुई है, उसके बारे में कभी मेंशन नहीं करते थे। ठीक है, वो राजे के बारे में अच्छा लिखते थे, इसी वजह से राजा क्या करता था, उनको रिवॉर्ड देता था। दीज ऑथर एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड ऑफ प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। अब ये जो ऑथर थे ये रूलर को कुछ चीज़ों में एडवाइस भी करते थे, जैसे बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन। बर्थ राइट क्या है?
बर्थ राइट में वो बताता है कि अगर आज मैं हूँ ऑथर, मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, मैं एक नोबेल हूँ, क्लियर, कल मेरा बेटा मेरी पोस्ट पे आएगा, क्लियर। एंड जेंडर डिस्टिंक्शन मीन उस टाइम पे भी मेल और फीमेल का डिफरेंसेस दिखाया गया है कि फीमेल को हमेशा पीछे रखा जाता था एज कंपेरेटिव टू मेल। यही समझा जाता था कि फीमेल जो है इन्फीरियर है और मेल क्या है, सुपीरियर है। मतलब यहाँ से पता चलता है कि उस टाइम पे भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। इस सब से आपको वन साइडेड हिस्ट्री देखने को मिलती है कि पहले तो बर्थ राइट में कि आज मैं अगर राजे के अंडर काम कर रहा हूँ तो कल मेरी पोस्ट पे मेरा ही बेटा आएगा, कोई और लोअर कास्ट से कोई और बंदा नहीं आएगा। जेंडर डिस्टिंक्शन कि मेल और फीमेल का डिफरेंस दिखाया गया कि किसी कोई लेडी रूलर नहीं बन सकती, उसके रूल को हम लोग नहीं मानेंगे, क्लियर। यहाँ पे बट एक लेडी जो है रजिया सुल्ताना जो सुल्तान बनी है, शी बिकेम सुल्तान, उसके रूल को बताया गया है। बट उसकी भी टाइमिंग आप देख सकते हो 1236 टू 1240 तक रही है, क्लियर। इन 1236 सुल्तान इल्तुमिश डॉटर, अगर आ गया कि ये किसकी बेटी थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुमिश, रजिया बिकेम द सुल्तान, ठीक है। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहास इसराज रिकोनाइज डेट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर ब्रदर। जो उस टाइम के मेन हिस्टोरियन रहे हैं जिसका नाम था मिनहाज ई सिराज, उसने क्या बताया है कि वो बहुत एबल थी, क्वालिफाइड थी, मतलब उसके जितने ब्रदर थे वो इतने एबल और क्वालिफाइड नहीं थे। उसकी उसी वजह से उसके फादर ने इल्तुमिश ने उसको अपना मतलब राजगद्दी अपनी देनी चाहिए। बट ये मिनहाज ई सिराज जो उस टाइम का हिस्टोरियन था ये भी हैप्पी नहीं था। ये भी क्या बता रहा है कि जो नोबेल्स थे वो हैप्पी नहीं थे, वो इसकी बात मानना नहीं चाहते थे क्योंकि वो राजा एक मेल को चाहते थे, वो फीमेल के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से 1240 में इसको मरवा दिया गया। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। सो हेयर मिनहाज इस सिराज ने कुछ रजिया के बारे में बताया है। इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सेलेंट क्वालिटीज़। कहते जब मैं गॉड का रजिस्टर खोल के देखता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेल और फीमेल के दो कॉलम बने हुए हैं, तो कहते ये रजिया में इतनी क्वालिटीज़, मेल वाली क्वालिटीज़ कहाँ से आ गई, हालांकि वो क्या है, एक फीमेल है, ठीक है। तो इल्तुमिश की डॉटर है, फीमेल है, क्वालिफाइड है, लड़कों की तरह वो कपड़े पहनती थी, लड़कों की जैसे ही रहती थी। आपने मूवी देखी होगी रजिया सुल्ताना जिसमें हेमा मालिनी ने रोल प्ले किया है, ठीक है, आप मूवी देख सकते हो कि कैसा उसका रोल था। बट बाद में क्या किया, उसको मरवा दिया गया। कहते रजिया ही नहीं और भी बहुत सारी लेडीज हैं, जैसे रुद्रामन, इसने अपना नेम रुद्र मेल के नाम पे ही रखा है, रुद्मा देवी जो वारंगल की क्वीन थी, और दीदा जिसने कश्मीर पे रूल किया है, बहुत सारी और लेडीज हैं जिन्होंने रूल किया है। बट फीमेल्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द नोबेल्स, जो नोबेल्स थे वो फीमेल के रूल को पसंद नहीं करते थे, क्लियर। अब स्टूडेंट्स वी हैव रेड अबाउट द तारीख और तवारीख, उसके बारे में हमने पढ़ा है कि दैट वर द बुक्स रिटन बाय द लर्न्ड मैन, दे मोस्टली लिव्ड इन द सिटीज एंड दे ऑलवेज रोट हिस्ट्रीज इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। तो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज वी विल लर्न अबाउट द फोर स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। जो उस टाइम पे तारीख या तवारीख लिखी जाती थी, क्लियर, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे बनाते थे। फर्स्ट प्रिपेयरिंग द पेपर, सबसे पहले वो क्या करते थे, पेपर प्रिपेयर करते थे। आफ्टर डैट राइटिंग द टेक्स्ट, उसके बाद में उस पेपर पे लिखा जाता था। आफ्टर डैट मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। अब आज सपोज टुडे आई वॉन्ट टू हाईलाइट समथिंग, मैं कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ, जैसे मैंने ऑथर्स को हाईलाइट किया, मेरे हाथ में पेंसिल है, मैंने इस वर्ड को हाईलाइट कर दिया। बट उस टाइम पे गोल्ड को मेल्ट किया जाता था, उसको फिर रिफ़ल में भरा जाता था, रिफ़ल में भर के फिर इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होते थे, पैसेजेस होते थे, उनको क्या किया जाता था, हाईलाइट किया जाता था। आफ्टर डैट जितने भी पेजेस होते थे उनको क्या किया जाता था, बाइंड किया जाता था। क्लियर अबाउट दिस थिंग, तारीख एंड तवारीख, रजिया सुल्ताना फीमेल रूलर, इसके बारे में क्लियर है आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम
गैरिसन टाउन टू एम्पायर। गैरिसन टाउन क्या होता है, जैसे दिल्ली सल्तनत है, उन्होंने क्या किया है, ड्राइंग पे मत हंसना मेरी, सपोज दिस इज इंडिया, क्लियर। दिल्ली सल्तनत है, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, दिल्ली पे अटैक किया, दिल्ली पे रहना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पे अपना एक गैरिसन टाउन बना लिया। गैरिसन टाउन है कि जिसमें सोल्जर्स रहते थे, राजा रहता था, राजे की सारी फैमिली रहती थी, क्लियर। वो सारे किस में रहते थे, गैरिसन टाउन में रहते थे। अब एक गैरिसन टाउन से वो एम्पायर, दिल्ली सल्तनत है जो आप देखोगे कि बाद में सारी जगह फैल गया, तो एम्पायर तक जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, वो कैसे बने। सो इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली रियली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसंस। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड्स ऑफ द सिटीज, वर देयरफॉर डिपेंड अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट, प्लंडर फॉर सप्लाइज, क्लियर। अब गैरिसन टाउन आपने ये पढ़, मैंने आपको बता दिया कि गैरिसन टाउन जहाँ पे राजा, सोल्जर सभी रहते हैं। अब हिंटरलैंड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंटरलैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैंड एडजेसेंट टू द सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गैरिसन टाउन, सपोज दिस इज गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन के आसपास की जो लैंड है, जो इस गैरिसन टाउन को गुड्स और सर्विसेज, मतलब खेती बाड़ी का, खाने पीने का कोई भी सामान प्रोवाइड करवाएंगी, दैट इज नोन एज हिंटर लैंड। मतलब जो आसपास की सिटी है, दे विल प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द गैरिसन टाउन। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो दिल्ली सुल्तान है, उन्होंने दिल्ली में गैरिसन टाउन बनाया, उसके बाद में उन्होंने सिंध में बनाया, आफ्टर डैट दे बिल्ट देयर गैरिसन टाउन एट बंगाल। तो यहाँ पे रूलर रह रहा है। अब इसको सिंध के गैरिसन टाउन और बंगाल के गैरिसन टाउन को भी कंट्रोल करना था, सो दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर him. So we will see here different problems which were faced by the king to control the garrison town. So these problems were, first is the rebellion, जो उस वहाँ पे local ruler, इसके बीच में यहाँ पे जो local लोग रहते थे वो rebellions कर देते थे, war हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी जब ये लोग जाते थे अपने garrison town में। even bad weather, कई बार मौसम खराब हो जाता था, कुड स्नैप फेगाइल कम्युनिकेशन रूट। बैड वेदर की वजह से इनका आपस में, यहाँ से सपोज करो राजे ने अपना कोई मैसेज भेजा है बंगाल की तरफ में, उस टाइम पे एरोप्लेन, बसेस, कार तो थी नहीं कि बंदा अचानक से चला जाएगा, तो उसको जाने में भी टाइम लगता था। तो रास्ते में सपोज करो बारिश होगी, फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, कुछ भी लगा लो, तो जो कम्युनिकेशन था उनका, कम्युनिकेशन वो हो नहीं सकता था, क्लियर, वो डिफिकल्ट था वहाँ पे। सो दीज वर दी प्रॉब्लम्स, रिवेलियंस, वॉर, इवन बैड वेदर, ठीक है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर होता नहीं था। नेक्स्ट इज दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय द गवर्नर हु रिवेल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मंगोल है, मंगोल के चाइना का बहुत फेमस ट्राइब रहा है, क्लियर। अब मंगोल ने, अब यहाँ पे तो हमारे माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ से तो चाइना का जो मंगोल ट्राइब था वो इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। अब उन्होंने ईरान, इराक वाली साइड से, जहाँ से ये लोग दिल्ली सुल्तान आए थे, वहाँ से अटैक करना शुरू कर दिया, इंडिया में एंटर करना शुरू कर दिया। सो दिस वॉज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम फॉर द दिल्ली सुल्तान्स। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंज, इट्स कंसोलिडेटेड अकर्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ ग्यासुद्दीन बलबन, फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये तीन नाम है जो बहुत फेमस रहे हैं, बलबन, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद तुगलक जो आप बोल सकते हो। तो इन तीनों ने मंगोल्स, जो चाइना के ट्राइब थे, इन्होंने इंडिया पे जो अटैक किया है, बार बार अटैक किए हैं, इनको फेस किया है, तो इन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजीज, इस चैप्टर में हम लोग दो लोगों का कंपैरिजन वी विल रीड,
फर्स्ट इज़ द अलाउद्दीन खलजी एंड सेकंड इज़ द मोहम्मद तुगलक। तो इनकी स्ट्रेटजीज इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगी कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की इस मंगोल रिवेलियन से अपने आप को बचाने के लिए, रिकवर करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।